गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विस्टी में अल्लाह में आपका स्वागत है। तो मेरा ब्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो मेरे ब्लॉग भी बने रहिए। हाय, तुमसे एक काम करना है। क्या काम बताओ? अंदरली ब्लॉग क्या आओ, इतनी शाम को क्यों आई हो? जानती नहीं मेरे मम्मी पापा को, ऊपर से कॉलेज में तो बता सकती थी ना, तुम यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे सबके सामने नहीं बताना था, इसलिए कुछ प्राइवेट था तुमसे। मुझे मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए तुम्हें? और ऐसी कैसी बात है जो तुम कॉलेज में भी बता सकती थी, यहाँ भी तो बता सकती थी ना? अरे कॉलेज में मैंने इसलिए नहीं, मतलब सबके सामने नहीं बताना चाहती थी, थोड़ा पर्सनल था। पर्सनल एक्चुअली मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? रुको, अगर मैं पहले बोल देती हूँ, जो चीज मेरे पास होगी वो मांगोगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारे पास होगा, तुम दे सकती हो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे दे दो। क्या मांगो? तुमसे 1000 रुपए चाहिए। नहीं तो तुम अगर अपनी मम्मी से मांग लेती तो क्या हो जाता? तो पर्सनली है, जब पैसे मांगने हैं तुम्हें तो फिर तुम अपनी मम्मी से मांग लो। अरे मम्मी से मांगने से मम्मी पूछेंगी क्या करोगी, कहाँ खर्च करने, क्या है क्या नहीं है, ये वो, इसलिए नहीं मांगा। किधर से पैसे आएंगे? मेरे भी तो पेरेंट्स हैं, वो मुझे पे करते तभी ना मेरे पास आता है। तुम मेरे से आके मांगोगी तो मैं कैसे दूंगी? प्लीज दे देना, मैं बता रही ना, मैं तुमको दे दूंगी प्लीज। अच्छा ठीक है, कितने चाहिए बोलो? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपए चाहिए। 1000 रुपए मैं बस, ये कम पैसे लगते हैं क्या? पेड़ में उगते पैसे? हाँ किधर से पैसे आएंगे मेरे पास? तुम हंस क्यों रही हो? तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुमसे मांगा। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ मेरे पास है कि नहीं। रुको, अच्छा ये लो। थैंक यू यार, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं उतार सकती। ठीक है, 1 साल हो गया, आप तो मेरे पैसे लौटा दो, कितनी बोली थी लौटा दोगी। देखो 1 साल हो गया, अब कब लौटाओगी यार? अरे तुम पैसे मांगने आ रही हो? मैंने तो तुमको कहा था तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं उतार सकती, कभी नहीं उतार सकती। मैंने तुमको बोल बार बार करके कहा था, तुमको पता होना चाहिए एहसान नहीं उतारने का मतलब है मैं ये पैसे कभी नहीं दूंगी। तो ठीक है, अब अच्छे से साफ साफ मैंने कह दिया है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकती, मैं तुमको पैसे नहीं दे सकती। ठीक है, अब मैं समझ रही हूँ कि तुम भी ऐसे दोस्त हो ना, कभी पैसे नहीं देना चाहिए, कभी हेल्प भी नहीं करनी चाहिए। वक्त आते ही अपने रंग दिखा देती है, बढ़िया है। गाइस आपको अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।